हनमना थाना अंतर्गत पिपराही गांव में जयप्रकाश का वायरल वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है, जिसको लेकर पिछले दिन गुप्ता परिवार की रक्षा के लिए वैश्य समाज के लोगों ने हनमना में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की बात की। हमारी टीम ने वहां पर मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश की। आइए आपको सुनाते हैं। उसी समय वहां पर जयप्रकाश भी आ गया, जिसका वीडियो वायरल हुआ, उसकी जमकर पिटाई की। हमने जयप्रकाश सहित तमाम लोगों से बात की। इसी दौरान सरपंच पति जवाहर से पीड़ित कुछ और लोग भी आए, हमने सारी बातें की थी। सुनिए क्या कुछ निकलकर सामने आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ कार्यालय तहसील हनुमना में, रीवा से लगभग 100 किलोमीटर दूर, संभागीय मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर आज हूँ। मैं आपको बता दूँ, हनुमना 15 अगस्त से मऊगंज में शामिल हो जाएगा, उसकी बात मैं फिर कभी करूँगा। आज पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक लड़के को जिस तरीके से अमानवीय तरीके से यहीं के पिपराही में पीटा गया, वो शख्स भी हमारे साथ मौजूद है, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे बात करूंगा, जानने समझने की कोशिश करूंगा आखिर मामला क्या था, किस वजह से आपके साथ पिटाई हुई थी। सर, हमें पिपराही का सरपंच बुलवाया था और फिर हमें अमानवीय ढंग से, वीडियो में सभी देख ही रहे हैं, उसी प्रकार से मुझे मारा पीटा जी बांध के। आप आज यहाँ पर हैं जी, उस दिन जो वाकया हुआ था जरा अच्छे से बताइए, जो आपको इस समय देख पा रहे हैं उनको समझ में आया कि उस दिन हुआ क्या था। वीडियो तो हम लोगों ने देख ही लिया जी। घर मेरा पिपराही में है, सरपंच का पति मुझे अपने घर में बुलवाया और फिर बोला कि तू मुझे कुछ कह रहा था किसी से। बोले भैया, हम कुछ किसी से कुछ बोले नहीं हैं। और फिर शटर अपना बंद किया और मारने लगा मुझे, और गंदी गंदी गाली भी दिया है और मेरा कपड़े वपड़े उतार दिए। आप क्या चाहते हैं भागे? शासन से यही हमारी मांग है कि जो कार्रवाई उचित कार्रवाई हो, हमारे साथ किया जाए, हमारे जान की सुरक्षा किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश गुप्ता है। ये थे जयप्रकाश। मेरी थोड़ी देर पहले इनकी माँ, इनके भाई से भी बात हुई, उनका साफ तौर से कहना था जिस तरीके से मेरे बेटे को मारा गया, शायद ऐसा कम ही लोगों के साथ इस बर्बरता से पिटाई होती है। हम चाहते हैं मध्य प्रदेश शासन इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करें। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं सबसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या कहेंगे आप? ऐसी शर्मसार घटना कर देने वाली, ऐसे किसी से घटना ना हो, और इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ, और जो इनके ऊपर हुआ है उनको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और प्रशासन से मांग है तत्काल इनको उनको जमानत न मिले और अच्छी धाराएं लगाई जाएं। क्या नाम है आपका? लवकुश गुप्ता हनुमना। मैं आपको बता दूं, 500, 501, 502 कई धाराएं, मेरी पुलिस अधीक्षक रीवा से भी बातचीत हुई है, कई धाराओं के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। बताइए जी, यहाँ 501 500 की धाराएं जो धाराएं लगी है, लेकिन हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। ये धाराएं जिस तरह का कार्य हुआ है निंदनीय, वो कम है। ऐसी धाराएं तो जमानत हो जाएगी और फिर वो लोग घूमेंगे और फिर हमला करेंगे, आए दिन इस तरह का कांड करेंगे। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि जो इस तरह की घटना करी गई है वो दोबारा ना हो, किसी के भी साथ अमानवीय ढंग से जो घटना की गई है, जो कुर्ता से जिस तरह पीटा गया है, मुंह में उनके जूता ठूसा गया है, आए दिन लोगों को उनको धमकाया जाता है, कल भी उनको धमकी दी गई है। हम ये चाहते हैं शासन से कि इसकी पूरी तरह से कार्रवाई की जाए, छानबीन की जाए, सही अपराधी को पकड़ा जाए और उनको जो है तो सही सजा दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलजा गुप्ता, नगर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष। ये थी हमारे साथ शैलजा गुप्ता, हनमना पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, जहां पर मैं मौजूद हूं। उनका साफ तौर से कहना था इस तरीके की अमानवीय घटना, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। शासन प्रशासन को चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं भविष्य में ना हो। क्या कहेंगी आप? मैं कहूंगी कि जो पीड़ित हैं उनको सही न्याय मिले और प्रशासन की तरफ से उनको सही न्याय मिले, हम बस इतनी कहते हैं। सारे लोग न्याय की बात कर रहे हैं, सारे लोगों का कहना है इस तरीके की घटनाएं लगातार वायरल हो रही। मैं अभी आपके पास भी आऊँगा, हाँ बताइए क्या कहेंगे आप? सर, इसके पहले भी कैलाशपुर हत्याकांड हुआ था, उसका गवाह हूँ, मेरी भाभी माँ ही लगती हैं,
ऐसी धाराएं कैलाशपुर में हत्याकांड में भी लगी थी, उसका मुजरिम आप खुलेआम घूम रहे हैं। मुजरिम खुलेआम घूम रहा है, इसके पहले भी इस तरीके की तमाम तरीके की बातचीत हुई, पीड़ित के परिजन भी साफ तौर से ये कह रहे हैं। जिस तरीके से आज आपने ज्ञापन दिया यहाँ पर, आपको लगता है कि आपके ज्ञापन के बाद सरकार इस मामले में गंभीर होगी, तहसीलदार कुछ एक्शन लेंगे, जिला प्रशासन एक्शन लेगा? कोई भी समस्या होती है तो हमारा ही कर्तव्य है, या हमारे समाज का, हर जाति और धर्म का लोगों का काम है कि लोकतंत्र की प्रक्रिया को हम अपनाएं। पहले हम FIR दर्ज कराएं, उसके बाद हम ज्ञापन के माध्यम से शासन को आगाह करें और हम बताएं कि हम इतना पीड़ित हैं, हमको न्याय मिलनी चाहिए। इसके पहले कई घटनाएं हुई हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हनुमना नहीं, आज उन घटनाओं की बात नहीं, आज आप यहां ज्ञापन देने आए एक नवयुवक के साथ, जिस तरीके से उस इलाके के सरपंच ने बुरी तरीके से मारा पीटा, मुंह से जूता उठवाया, कपड़े उतरवाए, उसके बाद उसकी पिटाई की, आज वो जेल में है, कल उसके भाई ने उसके घर में जाके उसके परिजनों को धमकाया है, कहा है कि जेल से छूट के आने के बाद मैं लगातार तुम लोग को परेशान करूंगा, तो क्या ये लगता है इस तरीके की घटनाओं से आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनके परिवार को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और हम आज कल हम PI साहब थाना प्रभारी हमला से हम बात भी किए थे, हमारी इनसे बात हुई थी, पीड़िता से बात हुई थी, हम थाना प्रभारी से भी बात कर चुके थे कि उनको बहुत बड़ी समस्या है, कहे ऐसी कुछ बात नहीं है, हम कहा कि आप इस बात को समझान रखिए, क्योंकि पिपराही ट्राइबल एरिया है, जंगली का इलाका है, और वहाँ पे चौकियाँ तो हैं मगर स्टाफ नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अभी इन्होंने कहा चौकी तो है स्टाफ नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले पिपराही गया था, वहाँ चौकी में ताला लगा हुआ था, जो इस बात की पुष्टि करता है कि वाकई वहाँ पर स्टाफ नहीं। जी हाँ, एक SI को बैठा दिया गया, चूँकि वहाँ पे सरदमन, वहाँ पे चौकी से लगभग जड़कुर अगर हम जाएं, और इधर हर्रई जहाँ तक हनमना की सीमा ब्लॉक है, हनमना की सीमा है, हनमना तहसील की सीमा है, वहाँ एक पुलिस रहता है, वो भी नदारद रहता है, आपने देखा ही लिया, वहाँ पे एक दहशत का माहौल रहता है। आते हैं मुद्दे पे, आते हैं जी, आप क्या चाहते हैं आगे? हम ये पहले हमारा एक निवेदन है कि वहाँ पे पुलिस स्टाफ बढ़ाई जाए, वो ट्राइबल एरिया है, वहाँ से सीधी रोड जाता है और सीधी रोड से मऊगंज की ओर जाता है, वो उत्तर प्रदेश की सीमा है, उत्तर प्रदेश की सीमा है, उसी जड़कूट के रास्ते से उत्तर प्रदेश का भी रोड गया हुआ है। मेरा ये निवेदन है कि आए दिन घटना होती रहती है, वहाँ पे पहले पुलिस का स्टाफ बढ़ा जाए, दुरुस्त कर दिया जाए, ताकि इस घटनाओं से बचा जा सके और पीड़िता के साथ स्टाफ बढ़ा दिया जाए, इस तरीके की घटनाओं से रोकने की कोशिश की जाए जब तक पुलिस मौके पर मौजूद नहीं होगी। हाँ, क्या है बताइए। जी सर, मेरा नाम है नागराज सिंह गौड़, मेरा घर सरदमन है। ये जवाहर सिंह गौड़ जो है, तो 6 साल पहले हमको जो अभी जो घटना घटा है, इसी तरह हमको भी घर से उठा के चोरी में ठक के और ले आ। नाम बताया आपने? नागराज सिंह गौड़। हमारे साथ नागराज सिंह गौड़ हैं, इनका कहना है आज जो वारदात, भैया इधर आइए आप, क्या नाम बताया था आपने? जयप्रकाश गुप्ता। ये जयप्रकाश गुप्ता है जिनका वीडियो आप देख ही रहे हैं। एक दूसरे शख्स भी हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, जो उसी सरपंच पति से पीड़ित हैं, जो इनके साथ हादसा हुआ, इनके साथ भी कुछ हादसा हुआ था। मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ आखिर उस दिन हुआ क्या था। फिर हमको बुला कर चौकी ले आए FIR के लिए। अब यहाँ आए चौकी, पिपराही जो चौकी है, चौकी पर घसीट कर हमको मारा गया। फिर हम हनमनाया FIR करने, ना हमको हमारा FIR लिखा गया, उल्टा हमारे ऊपर कई मुकदमा लगाकर जेल भेजवाने की कोशिश की, लेकिन मैं जमानत से इधर उधर करके फिर जमानत कराए। कागज मेरे पास है, मैं रखा हूँ जी, झूठी मेरे ऊपर, झूठी जो मेरे ऊपर मुकदमा लगा। कब की बात है ये? 2015 की बात है। 2015 के पीड़ित भी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर से कहना था सरपंच पति इसी तरीके की अमानवीय कृत्य करते हैं, मेरे साथ भी मारपीट हुई थी, चौकी के अंदर मारपीट हुई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा मेरे खिलाफ मामला दर्ज हो गया। तमाम लोगों ने जो भी कुछ कहा आपने सुना, इस बारे में अब प्रशासन का पक्ष भी जानने का समय है। अभी के लिए इतना ही, बहुत जल्द हम प्रशासन का पक्ष भी आपके सामने रखेंगे। अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त।